नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदय बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माखन ने 3 दिन के फीडबैक के बाद दिल्ली से लेकर जयपुर तक सियासी हलचले बढ़ गई है। बदलाव का खाका तैयार है, जिसे लागू करने के लिए तैयार फॉर्मूले पर हाईकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत करा दिया है। रविवार रात हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने अचानक जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लंबी सियासी मंत्रणा की। कुमारी शैलजा सुबह जल्दी वापस दिल्ली लौट गई। कुमारी शैलजा की सीएम से लंबी मुलाकात को राजस्थान में होने वाले फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है। कल दिल्ली में प्रभारी अजय माखन ने राजस्थान के मसले पर राहुल गांधी से चर्चा की। इसके बाद देर शाम कुमारी शैलजा जयपुर पहुंचकर गहलोत से मिली। बताया जा रहा है कि शैलजा हाईकमान के कहने पर ही गहलोत से मिली है। राजस्थान में होने वाले संभावित बदलाव को लेकर गहलोत कुछ मामलों में असहमत है। शैलजा को उसी मिशन पर भेजने की बात सामने आ रही है। शैलजा सोनिया गांधी की विश्वास पात्र है, इस मुलाकात को लेकर कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में सियासी अटकलें तेज हो गई है। राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद कस्बे में एक दिन के अंतराल में दूसरी बार भारी बारिश ने वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। शाहबाद में आज दूसरे दिन भी 10 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हुई। इससे पहले शनिवार को भी यहां 1 फुट तक पानी बरस रहा था। बारिश के कारण वहां कई इलाकों में जलमग्न हो गए और खेतों में 1-1 फीट तक पानी भर गया। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में हुई तेज बारिश के कारण पार्वती चंबल ओवरफ्लो हो गई। चंबल पार्वती नदियों में तेज पानी की आवक होने के कारण इन पर बने बांधों से पानी छोड़ना शुरू कर दिया गया है। कोटा बैराज से इस मानसून आज पहली बार 2 गेट खोलकर 5000 क्यूसेट पानी छोड़ा गया। इधर भरतपुर में अंगाई पार्वती बांध के 20 गेट और 4 फुट ऊंचाई में खोलकर पूरी क्षमता के साथ पानी की निकासी की जा रही है। मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक आज सबसे ज्यादा 12 के शाहबाद में 246 mm यानी करीब 10 इंच बारिश दर्ज हुई। इसके अलावा सवाई माधोपुर में 215 mm यानी करीब 9 इंच और करौली जिले के सोपोटरा में 184 mm इंच से बारिश ज्यादा दर्ज की गई। इसके अलावा 12 सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, धौलपुर में अन्य कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। वहीं जयपुर, भरतपुर, दौसा, कोटा, टोंक, बूंदी जिलों में अच्छी बारिश हुई है। जयपुर में पिछले 3 दिन से बारिश का दौर चल रहा है। सुबह करीब 4 बजे से शुरू हुई झमझम बारिश 10 बजे तक जारी रही। चारदीवारी समेत शहर के अधिकांश सड़कों पर पानी भर गया। लोग भी बहुत सुबह सुबह बारिश का मजा लेते नजर आए। चारदीवारी के अलावा सीकर रोड, अजमेर रोड, 200 फीट बाईपास, MI रोड सहित कई जगह पर सड़कों पर आधा से 1 फीट तक पानी भर गया। सुबह सुबह दफ्तर व अन्य काम से जाने वाले लोग बारिश के पानी के कारण जाम में फंस गए। पाली में पति पत्नी द्वारा हनी ट्रैप के मामले में अब गैंग की तीसरी महिला को पुलिस ने पकड़ लिया है, जो दिल्ली की रहने वाली है। युवती शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों को मीठी मीठी बातें कर अपने जाल में फंसा चुकी है। युवती का नाम श्वेता उर्फ शीतल है। उसने जिससे शादी की थी वो 4 साल से जेल में बंद है। वहीं पैसों की तंगी से परेशान श्वेता ने रमेश चौधरी और भावना की हनी ट्रैप गैंग को ज्वाइन कर लिया। नई दिल्ली के कटरा गोकुल शाह सीताराम बाजार निवासी 35 वर्षीय श्वेता उर्फ शीतल की शादी पंकज शर्मा से हुई थी। किसी मामले में पंकज को जेल हो गई। पिछले 4 साल से ज्यादा समय से वह जेल में बंद है। पिता की मौत हो चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होने के कारण श्वेता वृद्ध माँ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए काम ढूंढने लगी। इस दौरान स्पा सेंटर से जुड़ गई। करीब 2 साल पहले श्वेता दिल्ली से राजस्थान आई। उसने कुंभलगढ़, पाली, जालौर, बाड़मेर के स्पा सेंटर में काम किया। गणेश और श्वेता स्पा में साथ काम करते थे। उसी ने भावना से मिलवाया। हनी ट्रैप प्रकरण से जुड़ा गणेश देवासी पाली शहर के एक स्पा सेंटर में मैनेजर का काम देखता था। उसी स्पा में श्वेता भी काम करती थी। गणेश ने बाद में स्पा छोड़ दिया, जो रमेश चौधरी के गिरोह से जुड़ गया। गणेश ने ही श्वेता को भावना से मिलवाया। एक से ज्यादा लोगों को फंसाना होता था तो वे श्वेता को बुला लेते थे। श्वेता का काम भी फोन पर लोगों से मीठी मीठी बातें कर उन्हें घर तक लाने का रहता था। पुलिस की अभी तक की जांच में सामने आया है कि श्वेता इस गिरोह के साथ शामिल रही है। अलवर में सिलीसेट बांध पर बने RTDC राजस्थान टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के होटल में रविवार देर शाम कर्मियों का कोटपुतली की तरफ से आए युवकों के साथ झगड़ा हो गया। आपस में लात घूंसे ही नहीं, बेल्ट भी चले। एक युवक की जमकर धुनाई कर दी गई। घटना के करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची। तब तक मारपीट करने वाले फरार हो चुके थे।
दिल्ली से टूरिज्म स्पॉट है जहां पुराना महल है, इसी में होटल भी है। लोगों के लिए बोटिंग की भी व्यवस्था है, इसलिए यहां एंट्री के लिए शुल्क लिया जाता है। एंट्री शुल्क नहीं देना चाहते थे युवक। होटल के मैनेजर ने बताया कि शाम के समय तीन युवक आए थे जो बिना एंट्री शुल्क के प्रवेश करने को लेकर विवाद करने लगे। स्टाफ के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद बचाव करते हुए स्टाफ के सदस्यों ने भी युवक की धुनाई कर डाली। सिलीसेट क्षेत्र सदर थाना क्षेत्र में आता है। यहां से सदर थाना करीब 25 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने आने में 1.5 घंटे और 2 घंटे से ज्यादा लगा दिए। तब तक झगड़ा करने वाले लोग वहां से भाग निकले, लेकिन पुलिस ने बताया कि युवक कोटपुतली नंबर की गाड़ी से आए थे। उनकी कार का नंबर ले लिया गया है, जिसके आधार पर आगे की जांच की जाएगी। जयपुर में 2 दिन हुई बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। कुछ दिन पहले गर्मी से तप रही जयपुर की पहाड़ियां अब हिल स्टेशन की तरह नजर आ रही है। आसमान में छाए काले बादल और पहाड़ियों पर बिछी हरियाली की चादर लोगों को शिमला ऊटी का एहसास करवा रही है। इसे टूरिस्ट के चेहरे भी खिल गए हैं। जयपुर वासी भी परिवार के साथ घूमने निकल पड़े हैं। सोमवार सुबह से ही जयपुर में बारिश का दौर जारी रहा। आज सुबह से ही रिमझिम बूंदाबांदी हो रही है। बारिश के बाद जयपुर में अरावली की पहाड़ियों पर बादलों की आवाजाही जारी है। बारिश की वजह से नारगढ़, आमेर के सागर, पापड़ के हनुमान जी, मालेश्वर जी, महार कला, गलता जी, प्रभात जी का खोल और अन्य आसपास के कई पर्यटन स्थलों पर पहाड़ियों से झरने बहने लगे हैं, जहां शहरवासी अपने परिवार और दोस्तों के साथ झरनों में नहाकर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण हरियाणा के ऊपर स्थित है। इससे पूर्वी राजस्थान में जयपुर सहित लगभग सभी जगहों पर मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।